शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जाओ तुम लोग आगे, तुम ही लोगों का इंतजार हो रहा था। चलो पूजा में बैठ जाओ, हाथ मुंह धो लो। ये सब अम्मा, ये सब क्या है? बेटा ये जानना जरूरी है कि रोहन की प्रेत आत्मा आखिर चाहती क्या है। इसीलिए हमने सोखा जी को बुलाया है, रोहन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। ये जानना जरूरी है कि रोहन चाहता क्या है। हाँ बहुत जरूरी है माँ, ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है। हमने कहा ना आपसे, ये बस शिवांश के मन का वहम है। तुम्हारे कहने से शुभू अगर डॉक्टर के पास जा सकता है तो हमारे तसल्ली के लिए पूजा में क्यों नहीं बैठ सकता? अम्मा लेकिन दीदी, दीदी बैठ जाओ ना, पूजा ही तो है। क्या पता कोई रास्ता मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए। बैठ जाओ प्लीज, प्लीज मना मत करो प्लीज। या बेटा मुंह हाथ धो के आना। चलिए शिवांश। तू सिंघन और मैथी के बीच में झूल रहा है। आज तुझे आना होगा, नहीं तो मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि जन्म जन्म तक तेरी आत्मा भटकती रहेगी। लो आ गए हम। बताओ क्यों बुलाया है? बताओ क्यों सता रहा है इस लड़के को? इसने सताया है हमें, छोड़ेंगे नहीं इसे। तुम्हारी पत्नी से शादी करने चला है? नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे। तो तू क्या चाहता है? बताया ना, हम ये शादी नहीं होने देंगे। अगर इसने शबरी की मांग भरी तो इसका खून बहेगा। और शबरी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, वो हमारी पत्नी है और हमारी ही रहेगी। ठीक है, आओ आओ हमारे सामने, मार डालो हमें, ले जाओ हमें अपने साथ। लेकिन पहले सामने आओ, आओ सामने। शवनी क्या कर रही हो तुम? चलती पूजा में खड़ी क्यों हो गई? ऐसे ललकारो मत। ताई जी हम नहीं डरते किसी से, आओ सामने आओ। शिवान छुट्टी, प्यार करने का दावा करते हो? ये है तुम्हारा प्यार, जिसकी बुनियाद झूठ पट्टी की थी। देखो देखो,
और अगर आज हम मर भी गए ना तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। और आप लोगों को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मत डरिए। बेटा ये बहुत क्रोधित आत्मा है और बहुत क्रोध में इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं। सावधान। सुना है सच्चे प्यार से ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं होता। आओ, आओ सामने, हम तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सामने आओ, हम भी देखते हैं आज तुम्हारे में कितनी हिम्मत है। श्रावणी से पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। सामने आओ। अब भी वक्त है। सुन लो शिवांश, अगर तुमने शवनी से शादी करने का सोचा भी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुन रहे हैं ना आप लोग, शिवांश को मरना होगा। धमकी दे रहे हो हमें? हाँ तो ठीक है, कल माता रानी का दिन है, कल मासिक दुर्गा अष्टमी है और कल माता रानी के आशीर्वाद से इसी आंगन में हम शिवांश के साथ शादी करेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। सोच लो शवनी, एक बार फिर अपनी मांग उजाड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने ये शादी करने की सोची तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस सिंदूर स्वयं देवी माँ की कृपा से हमारी मांग में आया है, हमें स्वयं देवी माँ ने आशीर्वाद दिया है। अपनी मांग में तो हम शिवांश के नाम का ही सिंदूर भरेंगे। हम भी देखते हैं तुम इतनी शक्ति कहाँ से लाते हो कि इसे मिटा सको। तो ठीक है, फिर हम भी जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।